हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें अगर आप कहीं से भी दिल्ली आते हो ट्रेन से और किसी कारण बस आपको यहाँ पर रुकना पड़ता है, तो आप किस तरह यहाँ पर रुक सकते हो अभी मात्र 100 रुपये में। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं आपको रूम कैसा होता है 100 रुपये में जो मिलता है। और अगर आप फैमिली से हो तो आप रूम भी ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से बुक कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है बुक करने का। तो अभी मैं हूँ ओल्ड दिल्ली जंक्शन में और न्यू दिल्ली इससे 2 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। एक बार दिखाता हूँ आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन जो है पूरा नज़ारा उसका, ये देख लो, और आगे तक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर। तो भाई जैसे ही अब इंटर करेगा यहाँ से तो फर्स्ट फ्लोर पर आना है और उसके बाद उधर मत जाना, इस तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, लेफ्ट साइड से आप नीचे उतर जाना। अरे यार एक्सीलेटर बंद हो चुका है, तो आप लेफ्ट साइड में नीचे उतरना और उसके बाद सीधे चलते रहना 3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। इधर एक क्लॉक रूम भी है, तो यहाँ पे अपना सामान रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो देख सामने क्लॉक रूम है और जो रिटायर्ड रूम है सामने है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, ये भी एक गेट है तो यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हो, और एक आगे भी है तो वहाँ से भी आप इंटर कर सकते हो। तो 3 से 4 गेट यहाँ पे है इंटर करने के लिए। और यहाँ पे एक प्रीमियम लाउंज भी है, तो इसका जो फेयर है बहुत ज़्यादा होता है, हालाँकि इसका कंफर्टेबल तो भाई साहब अलग लेवल का होता है। तो भाई अगर आप चांदनी चौक वाले गेट से इंटर करते हो तो सामने चले गए यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म के पास, और दिखाता हूँ आपको सामने में देखिए गेट है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर रूम है, तो ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, देख लो ये 2 नंबर और आगे है 1 नंबर। तो यहाँ पे आना है और देखिए एक एंट्री यहाँ पे से सामने से, तो यहाँ से भी इंटर कर सकते हो, ये मेन एंट्री है। और ऊपर चलते जाना है, तो भाई इसमें आप इंटर करिएगा और यहाँ पे एक आंटी बैठी रहेगी, तो उसे आप अपना एड्रेस लिखवा लीजिएगा। ऑफलाइन बुक करने के लिए यहाँ से आंटी बुक कर लेगा। और पूरा जो है डोरमेट्री है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम, 6 रूम, 7 रूम, 8 रूम, 9 रूम है। तो हमारा जो रूम है 17 नंबर, और पहले नंबर यहाँ पर देख लो आप, यात्री अपने सामान का रक्षा सफाई करे जी मारोगा। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पे 3 बंदे सो रहे हैं, इसमें 6 बेड है, तो ऐसा रूम है और ये मेरा बेड है। तो यहाँ पे प्लग दिया हुआ है, वहाँ पे प्लग दिया हुआ है, ऊपर पंखा है जो लाइन चला गया। तो मेरा जो बैग है मैं इसमें अंदर रख चुका हूँ, उसको निकालता हूँ पहले। ये रहा मेरा बैग और ये भी सामान रखने वाला है, लेकिन कबाड़ा है, कोई काम का नहीं है यूजले से, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। साला इसी पड़ा हुआ है। तो उधर मिरर है, इधर भी मिरर है, और ये मेरा सामान है। तो मैं अपने बैग निकाला, तो भाई यही था रूम, पंखा ऊपर लगा हुआ, लाइट्स भी है, बाहर विंडो है, उसका व्यू देख लो आप, ये है व्यू बाहर का, इसे आप खोल भी सकते हो, ये है व्यू ओल्ड दिल्ली का। तो भाई यही है डॉर्मेट्री, इसमें 6 बेड है, ऐसा ऐसा 8 रूम। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ इसका बाथरूम वगैरह, बाथरूम जो बन रहा है, तो अभी जो है लेडीज़ टॉयलेट में जाना पड़ता है हम लोगों को। तो भाई यो था रूम मेरा 17 नंबर, और इधर है बाथरूम, तो अभी दिखाता हूँ आपको, अभी बन ही रहा है, काम चला हुआ है, इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको लगाने वाला अंदर से नहीं है। तो ये देखो बन ही रहा है, यहाँ पर 2 बेसिन है और रिपेयरिंग चल रहा है अभी। इधर भी एक बाथरूम में, इधर भी है, यहाँ पे नहाने वाला है और ये भी नहाने वाला है, तो अभी फिनिशिंग नहीं हुई, बन रहा है,
तो कम चलाव के लिए भी नहा लेते हैं इसमें। बाकी यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हो इधर, तो ये रहा बाहर का नज़ारा, देख रहे हो आप ऊपर से, और ये है अंदर का नज़ारा। तो अभी बन रहा है फिलहाल, जब तक आप कभी आओगे तब तक बन जाएगा, मात्र 10 से 15 दिन लगेगा इसको बनने में। और उस तरफ है लेडीज़ का कॉमन टॉयलेट, और ये है जेंट्स का। तो भाई मैं आपको रूम और जो बाथरूम वगैरह सब आपको दिखा ही दिया हूँ, और अब आता है कि आप बुक किसे कर सकते हो, प्रोसेस क्या होता है बुक करने का। तो बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास रेलवे का टिकट होना ज़रूरी है, वो भी कन्फर्म। जनरल का टिकट होगा तो उसे आप बुक नहीं कर पाओगे। अगर कन्फर्म कोई भी टिकट है, चाहे तो स्लीपर है और चाहे तो AC, कोई किसी भी टिकट है तो आप बुक कर सकते हो। बुक करने का सबसे आसान तरीका, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि कैसे बुक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखिएगा, आराम से बुक कर लीजिएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे आकर बुक कर सकते हो, ऑफलाइन भी होता है तो ऑफलाइन बुक कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन बुक करके आओ, ताकि आपको जो रूम है और जो डॉर्मेट्री है आपको आसानी से मिल जाए। और जो डॉर्मेट्री का फ़ी है मात्र 100 रुपया है 24 घंटे के लिए, तो इतना सस्ता और इतनी अच्छी फैसिलिटी भाई साहब दिल्ली में कहाँ मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो को बताइएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। और हाँ, अगर आपसे बुक नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा।